ओम नमः शिवाय। तो कैसे हो भाई लोग, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब लवेश के एक और एक नए वीडियो में। तो यहाँ पे आज मेरे साथ कनिष्का नैतिक है। ये को देखो कैसे पर्दे के पीछे छुप गया है वो। और ये कनिष्का है नैतिक, पर्दे के पीछे छुपा है, कनिष्का मेरे पीछे छुपी है। तो आज बहुत टाइम के बाद इन लोग मेरे वीडियो में आए, मेरे व्लॉग में आए, मेरे फ्रेम में आए। और यहाँ पे देखो नैतिक कब से, जब से इसका ये पार्सल आया है ना, तब से ये अपना पार्सल लेके ही घूम रहा है। यहाँ पे देखो कितना बड़ा बॉक्स है, और ये इतना बड़ा बॉक्स नैतिक के लिए। वो देखो नैतिक क्या है बता इसमें, तेरा गिफ्ट है। क्यों, बर्थडे आ रहा है ना, बर्थडे आ रहा है, कब आ रहा है कन्नू नैतिक का बर्थडे? 3 days। 8 जून को नैतिक का बर्थडे आ रहा है। अभी यार डेट क्या है, आज 4 है। आज 4 है, आज 4 डेट है। और 8 5 6 7 8, 3 days है। 3 डेज में नैतिक का बर्थडे आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे दोस्तों ये सिर्फ एक ही अब तक गिफ्ट आया है, लगभग 10 गिफ्ट नैतिक के मंगाए। नहीं, 10 नहीं है, 7 है। मेरे 10 है। 10 है, 10 है ना, तेरे 10 है। चल मेरे 10 कनिष्का के सिर्फ 2 है, 10 गिफ्ट आने वाले हैं, जिनमें से सिर्फ 2 या 3 गिफ्ट कनिष्का के और बाकी सब नैतिक के। मेरे बर्थडे में मुझे 10 गिफ्ट। हाँ तो तेरे बर्थडे में देखो गिफ्ट मिलेंगे 10। अभी नैतिक का बर्थडे तो नैतिक को 10 गिफ्ट मिल रहे हैं ना। नहीं, नैतिक को 7 गिफ्ट मिल रहे हैं। नहीं नैतिक 10 है ना, नहीं, उसको 10 है, 10 है भाई लोग। क्योंकि आप वो लोग, 7 का है। आप लोग इसकी बात नहीं सुन रहे। अभी नैतिक को पता भी नहीं है कि ये इसके ये बॉक्स में क्या है ना नैतू। आप खुद ही देख लेना कितने गिफ्ट आएंगे। अभी 8 तारीख को जब नैतिक के लगभग पता नहीं कितने गिफ्ट आएंगे, थोड़े बहुत बर्थडे के बाद आएंगे गिफ्ट, जितने भी आएंगे वो सब गिफ्ट 8 तारीख को अनबॉक्स होंगे। अब तक ना ही मेरे को पता है ना ही नैतिक को पता है कि इसमें कौन मुझे सा पता है, गिफ्ट है। मम्मी और मुझे पता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी नैतिक एक्साइटेड है, शायद हो सका तो चेक करने के लिए मैं आज ही ये बॉक्स खोल लूं। तो गाइज अभी हम बाहर जा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज संडे का भी दिन है और एक संडे को ही मैं इन लोगों को अच्छा खासा घुमाता फिराता हूँ। तो अभी बाहर जा रहे हैं, और यहाँ पे नैतिक जो है अपने साइकिल में थोड़ा स्टंट सीख गए, मैंने तो देखा नहीं है इसको स्टंट करते हुए, तो ये तो मेरे को बोल रहे हैं। तो जरा आज देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा कुछ ये स्टंट मारता है। तो यहाँ पे नैतिक आया अपना स्टंट दिखाने, मैंने तो अब तक नैतिक का स्टंट देखा नहीं है। मार भाई, ओहो देखो आते कर नैतिक तो मारा, अभी ये मारेगा, देखते ये कितना ऊंचा मारता है। अरे वाह, उठा उसको उठा। क्या सोम क्या है ये, सोम क्या है? नैतिक मार, तू मार, तू नहीं गिरना अभी सोम के जैसे। मार जल्दी मार, एक और एक मारेगा सोम, एक और एक मार है, तूने तो इज्जत का फलूदा कर दिया अपना। चल नैतिक मार पहले, नैतिक का आने दे वीली, मार नैतिक जल्दी आ। क्या था ये, थोड़ा और ऊंचा कर, और ऊंचा। हाँ सोम, हाँ संभाल के ये बार, ओहो ये बार संभाल के किया इसने। आता है देखो, आता है नेपाली वीली मारने आता है देखो। सोम साइकिल दे इसको, हाँ इसको दे, अभी देखते ये मारते हैं। मार मार, और ऊंचा मार, और ऊंचा। ओहो सोम जबरदस्त भाई, जबरदस्त, एक नंबर, सबसे डेंजर मारे सोम ने एक बार विली। देखते हैं अभी ये क्या कारनामा करता है। साइड हो जा, ये हो जो से घिरेगा। क्या था, क्या था ये, सही भाई फोकट का होशियारी। सोम भाई ने हमारे बहुत बड़ा विली मारा। नैतिक मार, अबे तुझसे बड़ा तो मेरा भाई विली मार रहा है छोटी साइकिल में, होशियारी मारने आते सिर्फ, कुछ भी नहीं हुए। नैतिक तू कर, नैतिक अपनी उम्र के हिसाब से और अपने साइकिल के हिसाब से अच्छी खासी व्हीली मार रहा है। सोम जो तू घिरा था देखो लगा जोर से। चल अभी यहाँ पे सोम को और एक दो और स्टंट आता है, हाँ मार के दिखा, वो सबसे पहले वाला स्टंट मार, फिर उसके बाद स्लिप मारना। एक इसने व्हीली तो मारा है हमारा, एक भयानक वाला व्हीली मारा था सोम ने, सबसे भयानक वाला जो घिर गया उसने यहाँ पे। तो अभी एक हाथ छोड़ते हुए, हाँ तो ये तो नॉर्मल है भाई, बस कर घुस जाएगा तू किधर भी। और
तो भरोसा नहीं है इसमें कुछ। यहाँ पे आ गया स्लीप मारे एक ऊंचा वाला स्लीप। तो इसका भरोसा नहीं है दोस्तों, ये खुद में ही कंट्रोल नहीं रखता है। नैतिक अभी जा तू मार स्लीप, एक कोशिश कर, कोशिश करे जा भाई, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। या सोम एक और एक बार घिरेगा तू वैसा। तो यहाँ पे अभी नैतिक स्लीप मारने वाला है, देखते नैतिक कैसा स्लीप मारता है। मार मार, ट्राई कर ट्राई कर। उसके बाद आराम से आराम से। सोम तू उसके साइकिल पे स्लीप मार, नहीं तो सोम को साइकिल दे अपनी, देखते हैं गाइस अब ये छोटी साइकिल में क्या कारनामा करता है। कन्नू तू ये चला के दिखा एक बार, चला ना एक बार। अरे कुछ नहीं, चला लेगी, चला हाँ रुक पहले कनिष्का चलाएगी, चला 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 कर कर कर। नहीं लग रहा है स्लीप, इसमें व्हीली मार, व्हीली मार, हाँ मार स्टॉपी मार। तो ठीक है गाइस अभी ये स्टॉपी मारेगा, संभाल के तू स्टॉपी के चक्कर में टोपी ना हो जाना। एक और एक कर, यहाँ पे आगे कर, यहाँ पे आगे। तो सोम तो यहाँ पे हमारा स्टंटमैन है भाई, एक यहाँ पे स्टॉपी मार आके, इधर सामने आके मारना कैमरे के, जल्दी कर। ब्रेक लूज है ना ये, तू क्यों ले रहे हो देखा यार तू क्या यार, तुम दोनों अतरंगी हो यार, तुम उसकी साइकिल तोड़ दोगे। मार अब तेरे साइकिल आ गया स्टॉपी। ठीक है गाइस अभी अपने साइकिल पे स्टॉप ही मारेगा, नैतिक की साइकिल तो नहीं जम रही है इसे। तो बैक टू बैक यहाँ पे नए नए लोग गिरते जा रहे हैं, पहले वो सोम गिरा, अभी ये गिरा नेपाली, बैक टू बैक गिर रहे सब अपने साइकिल से। तो यहाँ पे अभी इसने नैतिक को अपनी साइकिल दी है, ये बड़ी है साइकिल नैतिक के लिए, नैतिक अब तक ये छोटी साइकिल चलाता था। चला नैतिक संभाल के, ये डॉगी पे नहीं गिर जाना, नहीं तो काट लेगी देखो वो। चल 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 चला चला, मैं नहीं गिरता, कॉन्फिडेंस देखो भाई, मैं नहीं गिरता। तो यहाँ पे देखो किधर से आवाज निकाल रहे तू, नैतिक चला लिया जबरदस्त, नैतिक जबरदस्त। ओहो नैतिक ने रुका भी दी। नैतिक एक और एक ले, नैतिक एक और एक ले, टर्न वापस चला, अभी लगता है आज इसकी बारी है गिरने की। चला ना, डर रहा क्यों है, भगा भगा है, फुल फास्ट भगा, फुल फास्ट भगा। नैतिक कर कर तू कर, कनिष्का तू चला लेगी, चला एक बार अभी, नैतिक एक बार चलाएगा फिर तू चलाना। ओहो नैतिक को देखो भाई, एक नंबर साइकिल चला रहा है वो, इतना छोटा होके बड़ी साइकिल चला पा रहा है वो, बेचारे को भी पीछे कर दिया। हाँ ये नेपाली पागल है, जा कन्नू अभी तेरी बारी, जा भाग के जा। अभी कनिष्का चलाएगी साइकिल, देखते हैं कनिष्का में कितनी ताकत है, कनिष्का कितनी होशियार है। तो अभी कनिष्का की बारी, देख कन्नू नैतिक तुझसे छोटा है, नैतिक ने चला ली साइकिल। अरे वो छोटे तुझसे वो बैठ पाया, चल जल्दी टर्न ले यार, तू तो कन्नू डरपोक है यार, चल साइड हो साइड हो, चलो चलो आगे बढ़ो भाई, नहीं है पैसा नहीं है। अभी कनिष्का चलाएगी, जल्दी कर कन्नू जल्दी, फटाफट फास्ट। क्या कनिष्का यार, नैतिक तुझसे ज्यादा होशियार है, क्योंकि वो बॉय है इसलिए होशियार है वो, गर्ल्स तो बिल्कुल भी होशियार नहीं होती है। अबे तू जा रहे, गिर जाता है बार बार, होशियारी मार रहे। चल 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 कन्नू जल्दी आ, चला कन्नू एक बार फास्ट पैंडल घुमा, गाड़ी चलेगी तो फिर बैलेंस हो जाएगा। ओहो इधर कनिष्का फास्ट फास्ट, कनिष्का फास्ट, संभाल के आप गाड़ी है। अरे तू तू पैर से ही क्यों रोक रही है, हाँ जैसे एक्टिवा रोकती है लड़कियाँ। हाँ चल 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 कन्नू ले जा फास्ट, तू चला ना एक बार साइकिल। हाँ हाँ अभी जम रहा है, अभी थोड़ा जम रहा है इसे, पहले नैतिक ने साइकिल चलाया उसके बाद कन्नू ने ताकत दिखाई। टर्न ले कन्नू जल्दी कर, ए,
नेपाली वीली, एक और एक मार जल्दी वीली फास्ट इसमें, भले भले गिर जाए, बड़ी बड़ी मिली बार, भले गिर जाए तू। अरे लगा एक नंबर मारा, एक नंबर। मैंने तो उसको बोला भले गिर जाए, इसने लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। साइड गई गई। चल कर जल्दी कर, वहां तक चला के जा, फिर हमें सोम को दे देना साइकिल, फिर सोम और इसमें व्हीली का चैलेंज। फास्ट कन्नू, फास्ट चला, फास्ट, गिरना नहीं कन्नू, गिरना नहीं। चलो गाइस, यहाँ पे अभी हम इधर अभी हम आ गए गाड़ी पे। तनिष्का नैतिक भी है ये बार मेरे साथ पीछे, मस्ती नहीं कर रहा है पीछे से, देखो इन लोग हेलमेट पे मार रहे हैं मेरे को, मस्ती नहीं कर रहा, चुपचाप बैठो। कन्नू पकड़ मेरे को, टाइट पकड़ ये, अरे कन्नू पकड़ ना, तू मेरे को पकड़। अच्छा ये तेरा हाथ है, नैतिक तू भी पकड़, मस्ती नहीं कर, पकड़ इज्जत से। तो यहाँ पे इन लोग अभी से मेरे को तंग करना शुरू कर दिए, तो मैं सोचा कि मैं यहाँ पे मोटो व्लॉगिंग करने निकल रहा हूँ, तो कनिष्का नैतिक को भी अपने साथ लेके चलूँ। ये ऑटो वाला क्या कर रहा है यार, अपने में ही परेशान है। देखो गाइस, देखो कैसा डेंजर लाइन है ये, यहाँ पे तो कोई भी इंसान गिर जाएगा। लगता है जब रोड बन रहा था, सीमेंट का काम चल रहा था, उस वक्त कोई बाइक लेके निकल जाए वहाँ से। यार इतनी मस्ती है ना, नैतिक को मैं लेके ही नहीं आऊँगा अगली बार से, मैं यहाँ पे नैतिक को अगली बार से लेके ही नहीं आऊँगा। गलती की इसको लाके, बहुत मस्ती हो रही है। कितनी गंदी स्मेल है ना यहाँ पे कनिष्का, पता नहीं किस काय की स्मेल आ रही है। वहाँ पे देखो गाइस ऑर्डिनेंस, उधर में ऑर्डिनेंस है वो साइड, यहाँ पे अब ऐसी थोड़ा पांच नंबर साइड वाइड हम घूम के आते हैं मस्त। आज आपको गाड़ी एकदम स्लो मिलेगी मेरी, आज आप लोगों को मेरी गाड़ी एकदम स्लो मिलेगी, क्योंकि मेरे पीछे दो चट्टे पट्टे बैठे हैं। आगे हो कन्नू थोड़ा, तो इन लोग पीछे भी मस्ती कर रहे हैं। ये नैतिक को तो मार्क मारूंगा अभी, रुक इसका बर्थडे बनाता हूँ अभी, आठ जून से पहले इसका बर्थडे बनाता हूँ आज मैं, आज तीन दिन पहले नैतिक का बर्थडे बनाएंगे हम। कैसे देख रहा है वो गांडू पटलू, यहाँ पे सब देख रहे हमें, और एक तो पीछे दो कनिष्का नैतिक है मेरे साथ, तो सब देखेंगे ही ना। तो यहाँ पे ये लड़का इतना मस्ती कर रहा था कि इसको मैं आगे ले आऊँ अभी। एक तो क्या ये आगे था तो मेरे को मोटो ब्लॉक करने नहीं हो रहा था, तो अभी इसका देखो मैंने ऐसा बिठाया है इसका सर, ये देखो, ये देखो बदमाश है क्या नैतिक, सर ऊपर नहीं करना, हाँ जैसे ही वैसे ही बैठ, ठीक है ऐसे ही बैठ। पीछे कनिष्का है, अभी कनिष्का चुपचाप अकेले बैठती है। अरे ओ गांडू टेम्पू वाले, देख रहे हैं मैं आ रहा हूँ फिर भी। हाँ डस्ट चढ़ाएगी तो ठोक डालेगी ना उसको, ये नैतिक ने की ना मर्द वाली बात। तो ये देखो भाई लोग, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया आगे एक गाड़ी का, ये देखो देख कर एक्सीडेंट हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है उसकी भी, शेवरलेट की अच्छी मजबूत गाड़ी है, बीट है बीट शेवरलेट बीट, तो उसका से बम्पर निकला आगे का, और ये बम्पर नहीं एक्सल निकल गया पूरा। कन्नू का टायर निकल गया वो देख, देखा वो देख टायर निकल गया, वो देखो वाइट कलर वो देख, ये देखो गाइस पूरा टायर निकल गया इसका। अरे बाप रे बाप, पूरा एक्सल ही निकल गया, ये कैसे हो गया पता नहीं, किससे ठोकर हुई है कि उसका एक्सल ही निकल गया भाई गाड़ी का। नहीं हमारी डस्टर मार रुकी है, एक्सल ही निकल गया भाई गाड़ी का उसके, बेचारी वाइट गाड़ी का, वो वाइट गाड़ी अभी चलने लायक भी नहीं है। पूरा ट्रैफिक जैम हो गया इधर में, चलो चलते हैं हम, चलते हैं ना, नहीं ट्रैफिक जाम में हम लोग फंस जाएंगे। तो उसका एक्सल कैसे निकल गया ना, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि टायर निकल गया। नैतिक तुमने देखा टायर निकला था? हाँ कन्नू, बाकी दोस्तों ऐसा एक बार मेरे सिलेरियो के साथ भी होने वाला था, और डिवाइडर के यहाँ से मैं चल रहा था, डिवाइडर से अच्छा खासा बाहर एक बड़ा सा फट्टर था,
मेरा वहाँ पे मेरे को तो लग रहा था उस दिन अगर वो फट्टर पे लगती ना मेरी गाड़ी तो मेरे गाड़ी का एक्सेल निकल जाता, पर बचा लिया मैंने, टाइम लेते देख लिया और कट मार लिया। तो आ गया भाई मैं अभी अभी बाहर से घूम फिर के, देखो कनिष्का नैतिक भी है ना। तो मेरे को एक छोटा सा काम भी था मेरे 5 नंबर साइट, मैंने सोचा निकल रहा हूँ तो मोटो व्लॉग भी कर लूँ, फिर उसके बाद सोचा मोटो व्लॉग कर रहा हूँ और बाइक लेके निकल भी रहा हूँ तो इन दोनों को भी ले लूँ, और संडे भी है आज तो इसलिए। तो मैं जस्ट अभी अभी आया, मेरे को 5 मिनट हुआ आके, और इधर आते से ही दोस्तों मैंने इन लोगों ने ये अनबॉक्स कर दिया जो इसका गिफ्ट आया था, जो नैतिक का बर्थडे गिफ्ट आया था, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि हम 8 तारीख को खोलेंगे, पर हमारे पेट में तो कोई बात रहता नहीं है तो हमने अभी खोल डाला इसे। और ये देखो क्या है, ड्रम सेट है भाई, और देखो ऐसा कुछ दिखता है ये ड्रम सेट, और ये रहा ऐसा कुछ ड्रम सेट आया है भाई। आपको वीडियो में थोड़ा अलग दिख रहा रहेगा पर मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ ना, इतना कुछ अच्छा नहीं है ना, नहीं तो इतना अच्छा नहीं है ना, थोड़ा डिफेक्ट भी आया है ये, मतलब बहुत हल्का है एकदम, लो प्लास्टिक का है, वो प्लास्टिक के कप नहीं आते, वो प्लास्टिक से बना हुआ है ड्रम है। तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, मेरे को कुछ मजा ही नहीं आ रहा है इतना भाई, है ना नैतिक, ये नैतिक खेल भी नहीं पाएगा इससे, ये तेरी उम्र है इससे खेलने के लिए, मैं अभी मैंने एक गिफ्ट सोचा है नैतिक के लिए, वो मैं अमेजोन से ऑर्डर करूंगा, ये जितना है सब कैंसिल करके हम वो एक ही चीज मंगाएंगे, वो मुझे पता है हेलीकॉप्टर। हाँ हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, देखो अरे सेंसर वाला देख, तेरे देख तेरे हाथ में एक वॉच आएगा, उधर क्या देख रहे हो, मैं दिखा रहा हूँ मेरा हाथ देखो, हाँ यहाँ पे एक ऐसा वॉच आता है, तू ऐसा ऊपर उंगली करेगा तो हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ेगा, तू यहाँ पे करेगा तो इधर हो जाएगा लेफ्ट, यहाँ करेगा तो राइट जाएगा, नीचे करेगा तो नीचे होएगा, ऐसा है भाई। एक बार देख इसको, एक दोस्तों एक बार वीडियो दिखाना पड़ेगा, इसको एक बार वीडियो दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसके भेजे में जाएगा। तो यहाँ पे भाई आ गया नैतिक का ड्रम सेट, अभी कन्नू बजा, आप लोग पूरा देख लो कैसा है, अरे जो ड्रम सेट ही गिर गया इतना कुछ भी नहीं है दोस्तों खास, ये देखो दिखने में ऐसे शो पीस के लिए अच्छा है पर बाकी बजाने बजाने के लिए किसी काम का नहीं है। नैतिक अभी तेरी बारी बजा, ये इसे तो इसे रिटर्न ही मारना पड़ेगा भाई। नीचे देखो ऐसा स्टैंड है इसका जो अभी से ही टेढ़ा हो गया भाई, मुड़ गया अभी से ही, नैतिक बजा मस्त बजाना, ओ डांस करो, अरे क्या ड्रम सेट है, नैतिक ड्रम सेट ही तोड़ डाला। तो यहाँ पे नैतिक का फिर से सेटअप हो गया, नैतिक लेट्स गो शुरू हो जाओ, ओहो डांस करो नैतिक क्या है ये, तू कितना डेंजर बजा रहा है भाई, ये ड्रम सेट किसी काम का ही नहीं है, बता नैतिक चाहिए था कोई अभी, क्या कर गया तू ये ड्रम सेट। तो इधर भाई मैं नैतिक के साथ जूडियो आया हूँ, ये देखो जूडियो टी शर्ट 300, ये पूरा लेडीज सेक्शन है, अभी ऊपर जा रहे हैं हम जेंट्स सेक्शन में, चल नैतिक, नैतिक तेरे को क्या चाहिए, साइकिल बोल रहा था जूडियो से मेरे को साइकिल चाहिए। तो भाई ये हम आ गए मेंस कलेक्शन के यहाँ, 800 से ये शू शुरू है, स्टार्ट है, जूडियो का ही प्रोडक्ट है भाई पूरा, हाँ भाई ये चाहिए अंकल चाहिए 1000 रुपीज का अंकल है चाहिए, ये पूरा अंकल मिलेगा 999 में, क्या है पता 999 इसमें क्या मिलेगा, ये पूरा अंकल मिलेगा, जीन्स का है सिर्फ, जीन्स है जीन्स अंकल, हाँ भाई बता, देखो कौन सा शू चाहिए बता, तू बता वो तेको छोटा साइज मिल जाएगा, ये वाला जी ये शू चाहिए, तो देखो भाई ये 1000 रुपीज में शू, ये वाला कोई भी लो, ये पूरा इतना 1000 रुपीज का सेक्शन है। अच्छा चप्पल चाहिए भाई, देखो चप्पल कितने गए, 200 का चप्पल, हाँ ठीक, देखो भाई माइक का सेटअप यहाँ पे, नैतिक मस्ती नहीं कर,
ये भी 200 का चप्पल ये सब। तो देखो भाई, ये जो डेनम का मैंने शर्ट लिया था फैशन स्ट्रीट से लगभग 350 का, वो यहाँ पे 800 का है। सही है भाई डेनम का। इन लोगों ने भी एफ एस सी लिया रहेगा, यहाँ पे 800 में बेच रहे। ये अच्छा लगा परफ्यूम देखो, सूंघ के देख। ले रहे सूंघ। अच्छा सही है भाई, मस्त है। 300 का परफ्यूम भाई, सही है जूबो का। ये मेरे भाई ये डियो, डियो लेते चलो। 99 का डियो। तो यहाँ पे गाइस हम लोगों ने एक परफ्यूम लिया और एक डियो लिया। हाँ तू ले, ठीक है। कौन सा चाहिए भाई बता इनमें से। 299 का भाई, 300 का ये। हमने ये ट्राई किया था, अच्छा है ना ये। वैसे सब एक ही है भाई, सिर्फ नाम अलग अलग है।